Good morning. Welcome to online classes of class 8. Now open your book with page number 23 with page number 25. Sorry, with page number 25. Some important queries. I would like to explain again these things because we never show our interest to such problems, and we are not able to understand after reading them, after having read them. इनको पढ़ने के बाद हम कभी भी ध्यान नहीं दे पाते, बस एक बार सुन लेते हैं. और कुछ क्वेश्चंस अगर माइंड में आपके राइज भी होते हैं तो उनको अधिकांश क्वेश्चन जो मैक्सिमम स्टूडेंट हैं वो नहीं पूछते हैं. तो उन चीजों को जो मेरे माइंड में जो मुझे कंफ्यूज कर रही हैं आपको समझाने के लिए, बताने के लिए कि ये पॉइंट मुझे आपको समझाना चाहिए, वो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ. और आप इनको बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये चीजें और अक्सर हमारे माइंड से स्लिप हो जाती हैं, हमें याद नहीं रहती. तो पेज नंबर 25 को देखें. पेज 25 पे देखिए आप, इस पर दिया हुआ इन्होंने बी पार्ट. इस बी पार्ट को देखें, नॉन एक्शन वर्ब. स्पेशली आप प्लीज पे अटेंशन, नॉन एक्शन वर्ड. ये कौन से वर्ड है? नॉन एक्शन, जिससे एक्शन प्रकट नहीं होता. इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सॉरी, वर्ड्स आर मोस्टली यूज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको ध्यान रखें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में नॉन एक्शन वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं. आर मोस्टली यूज, अधिकांश सिंपल प्रेजेंट टेंस में. इट इज लिमिटेड ओनली नॉन एक्शन वर्ड. द यूज ऑफ नॉन एक्शन वर्ड इज लिमिटेड टू सिंपल प्रेजेंट टेंस ओनली. अब ये नॉन एक्शन वर्ड क्या है, आप में से बहुत से लोग इसको जानते हैं. मैं इसको फिर से आपको समझा रहा हूं और आप इस पर ध्यान दें. वी कैन यूज इट इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. इसका यूज, अब देखो, अब इसके बता रहा है ये नॉन एक्शन वर्ड हम केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, ये तो इसका रूल है. ठीक है, लेकिन ऑन द कंट्रेरी, ऑन द अदर हैंड, इसका यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम कब करते हैं? ये कंडीशनल है, ये शर्तिया है. ओनली इफ, तब करते हैं. ओनली इफ, तब करते हैं. एनी ऑफ दिस वर्ब्स टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच वी कैन बिगिन और स्टॉप एट विल. जिसको हम शुरू, एट विल कहते हैं इच्छा से, इच्छा अनुसार, अपनी मर्जी के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर, अकॉर्डिंग टू आवर विश. जब हम चाहें इसको रोक दें, जब हम चाहें इसको शुरू कर दें. अपनी चाहत पर है, अपनी इच्छा पर है. ठीक है, ये आपसे कहता है. तो ओनली वी यूज वर्क टू डिस्क्राइब एन एक्शन. इसको ध्यान दें, टू डिस्क्राइब एन एक्शन. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कब यूज करेंगे? टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच वी कैन बिगिन और विच वी कैन स्टॉप एट विल. मर्जी से, जिसको हम अपनी मर्जी से कोई काम शुरू करें, या जब बंद करना चाहें, या रोकना चाहें, या शुरू करना चाहें, तब हम इसमें आईएनजी लगाते हैं. अदरवाइज ये वो क्रियाएं हैं, ये वो वर्ब हैं जिनके साथ हम आईएनजी इस्तेमाल नहीं करते. ठीक है ना, वी नेवर यूज आईएनजी फॉर्म यानी ऑफ दीज वर्ड्स. ये वर्ब कौन कौन से हैं, इनको आप देखिए. ये जो वर्ब है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं होते, मतलब इन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगती. नंबर वन, वर्ब शोइंग पोजिशन. ये ध्यान रखिए आप, कौन से वर्ब, कोई से भी वर्ब हो, अगर वो शो करते हैं पोजिशन, अगर वो शो करते हैं ऑनरशिप, अगर वो शो करते हैं ये चीज मेरी है, उसकी है, तुम्हारी है, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है पोजिशन. तो ऐसी क्रियाएं उनके साथ हम आईएनजी नहीं लगाते.
अब ऐसे वर्ब कौन कौन से हैं वो आपके सामने कुछ दिए हुए हैं, पजेस जो ऑलरेडी है, पजेस ऑन ओ डब्ल्यू एन, ठीक है ना, ऑन माने आई ऑन दिस रूम, आई ऑन दिस स्कूल, ये स्कूल मेरा है, मैं इसका मालिक हूं, ठीक है। पजेस बिलोंग, बिलोंग का मतलब संबंध होना, ठीक है ना। दिस वॉच बिलोंग टू मी, बिलोंग का मतलब इस घड़ी का संबंध मुझसे, अर्थात ये घड़ी मेरी है, इट इज माइन, दिस वॉच इज माइन। तो ये आपके सामने एग्जांपल, पजेस ऑन और बिलोंग, ये तीनों वर्ब, और आगे लिखा हुआ है ईटीसी, आदि आदि, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ऐसे ऐसे वर्ड जो शो करें पोजेशन, जो शो करें ऑनरशिप, उसके साथ हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगा, ठीक है। सेकंड है वर्ब ऑफ फीलिंग एंड इमोशन, दूसरे वर्ब कौन से हैं, फीलिंग एंड इमोशन, भावनाओं वाली, जिसमें भावनाएं होती है, जिनमें सेंटिमेंट्स हुआ करते हैं, ऐसे वर्ब, ऐसी क्रियाएं जिनसे भावनाएं, जिसमें जिसमें इमोशंस या जज्बात जाहिर होते हो, ठीक है ना, प्रकट होते हो, उनके साथ भी हम आईएनजी नहीं लगाते, वो केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रहते हैं। जैसे रेस्पेक्ट, सम्मान, अब सम्मान क्या है, फीलिंग है, एक भावना है। दूसरा है एडमायर, तारीफ, प्रशंसा, इसके साथ भी हम आईएनजी लगाने से अवॉइड करेंगे। हेट, नफरत, घृणा, लाइक, पसंद, डिजायर, इच्छा, एटसेट्रा, ऐसे और बहुत सारे वर्ड, ठीक है, जो क्या शो करते हो, फीलिंग और इमोशंस, इनके साथ भी हम आईएनजी नहीं लगाते हैं। इन अदर वर्ड ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रहते हैं, ग्रामेटिकली इनका यूज इसी तरह हुआ करता है। थर्ड देखें आप, ऐसे वर्ब, वर्ब ऑफ मेंटल स्टेट एंड एक्टिविटी, मेंटल स्टेट, दिमागी, दिमागी हालत, ऐसे वर्ब जो आपकी मेंटल स्टेट को, जो आपकी दिमागी हालत को बयान करें, जो आपकी दिमागी स्टेट को, कंडीशन को बताएं, या आपके एक्टिविटी को बताएं, मेंटल एक्टिविटी को, या जैसे अंडरस्टैंड, अब समझना, हम समझते कहते हैं माइंड, समझ, ये हमारा जो मस्तिष्क है, जो माइंड, इससे हम बात को समझते हैं। तो ये क्या हो गया, मेंटल एक्टिविटी या मेंटल स्टेट से, तो अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, है ना, मैनी थिंग, बहुत सारी चीजें मैं समझता हूँ, जानता हूँ। सपोज, सपोज के साथ भी हम आई एन जी नहीं लगाएंगे, इमेजिन के साथ भी नहीं लगाएंगे, एग्री के साथ भी नहीं लगाएंगे, रिमेंबर के साथ भी नहीं लगाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऐसे वर्ब जो मेंटल स्टेट को बताते हो, जो मेंटल स्टेट को शो करें, उनके साथ भी हम आई एन जी एड नहीं करते। यूज नंबर फोर, ऐसे कौन से वर्ब हैं, वर्ब ऑफ सेंसेस। अब देखिए सेंसेस, आपके फाइव सेंसेस हैं, पता है आपको, हियरिंग सेंस, सीइंग सेंस, सेंस ऑफ टेस्ट, है ना, सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की शक्ति, टेस्ट, हियर, ये आपके सेंसेस, इनके साथ भी हम आई एन जी फॉर्म एड नहीं करते। हियर, हियरिंग रॉन्ग होगा आपका, स्मेल, स्मेल है, टेस्ट, टेस्ट रहेगा, एटसेट्रा, ये फाइव सेंसेस के साथ भी हम आई एन जी एड नहीं करेंगे, इसका आप स्पेशल अटेंशन दें। अगर कुछ और वर्ब, ऐसे कुछ और वर्ब हैं जिनके साथ भी हम आई एन जी फॉर्म नहीं यूज करते, जैसे डिपेंड, सीम, अपीयर, मेजर, एटसेट्रा, इनके साथ भी हम आई एन जी फॉर्म यूज, तो हमने क्या देखा, एक से लेकर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, ये जो वर्ब हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड, वर्ब यहाँ पर दिए हुए हैं, और अलग अलग इनकी कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज को आप लर्न करें और ट्राई टू अंडरस्टैंड, इनको समझने की कोशिश करें, जो नहीं समझेगा वो मिस्टेक करेगा, और आई एन जी लगा कर आएगा तो उसके मार्क्स कट ऑफ होंगे, उसके मार्क्स कट जाएंगे, और स्कोरिंग उसका बिगड़ जाएगा, परसेंटेज डाउन हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, इस पर मिस्टेक्स होने के चांसेज हैं।
आप मिस्टेक कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये कैची क्वेश्चंस हैं, कैची टाइप वोकैबुलरी है, वर्ब्स हैं जिसमें आप उलझ सकते हैं, जिसमें आप ट्रैप हो सकते हैं, ट्रैप हो सकते हैं, इसलिए आप इनको समझें, बार बार इसको पढ़ें आप इस पेज को। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन देखें आप आगे, रिमेम्बर, आगे कह रहा है रिमेम्बर, लेकिन ये याद रखें, लेकिन इस बात को याद रखें, कुछ ऐसे वर्ब हैं जैसे थिंक और फील, थिंक माने सोचना, फील माने महसूस करना, ये दो ऐसे वर्ब हैं, ये एक्शन वर्ब भी हैं, एक्शन वर्ड भी हैं और नॉन एक्शन वर्ड भी, मतलब इनके साथ आप आई एन जी भी लगा सकते हैं और आई एन जी नहीं भी लगा सकते, ठीक है ना। यहां पर आपको एग्जाम्पल दिए दोनों के, आप इनको देखें ध्यान से, ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया गया है। आई थिंक मेरे विचार से, योर सजेशन इज द बेस्ट, ठीक है ना, आपकी सजेशन, आपका सुझाव सबसे अच्छा है। सेकंड देखें, आई एम थिंकिंग, अब आई एम थिंकिंग ये कौन सा वर्ब हो गया, एक्शन वर्ब हो गया, कौन सा हो गया, एक्शन, मैं सोच रहा हूं, है नहीं, मैं सोच रहा हूं अबाउट यूर सजेशन, मैं तुम्हें सजेशन क्या दूं, तुम्हारी सजेशन को लेकर मैं कुछ सोच रहा हूं, मनन कर रहा हूं। नंबर थर्ड देखें, प्लीज स्विच ऑफ द फैन, फैन को स्विच ऑफ कर दें। आई एम फीलिंग कोल्ड, अब एम फीलिंग, फील के साथ आई एन जी, मीन्स या कौन सा वर्ब हो गया, एक्शन वर्ब हो गया, एक्शन, यहां पर एक्शन दिखाया जा रहा है, यहां पर आई एन जी, यहां शो की जा रही है कंटिन्यूटी ऑफ द मूविंग ऑफ द फैन, फैन चल रहा है, तो आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है। मदर्स ऑलवेज फील गुड, माताएं है ना हमेशा अच्छा फील करती हैं व्हेन देयर किड्स आर, जब उनकी बच्चों की तारीफ की जाए, है ना, तो माताएं अच्छा, तो यहाँ फील क्या है लास्ट सेंटेंस में, ये नॉन एक्शन वर्ड है, महसूस करती हैं, यहाँ पर ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया गया है, ठीक है। तो इस तरह की जो वर्ब है पेज नंबर 25 के वर्ब को आप इसको लर्न कर लें, लर्न बाय हार्ट कर लें, इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपके नंबर जा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो आपके प्रॉब्लमेटिक कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ वो है हेव, अक्सर हेव के साथ आई हेव हेड, आप कहते हो सर हेव के साथ हेड आ गया, यहां पर भी आपको कुछ क्या बोलते हैं उसको, एक गलत फहमी है कुछ, है ना, तो मिसकॉन्सेप्शन है इसको लेकर, तो आप देखें यहां पर हेव, हेव का मीनिंग क्या है, हेव का पहला मीनिंग है पोजिशन, हेव आई हेव, ठीक है, दूसरा मीनिंग है टू ईट, दूसरा मीनिंग है टू ईट खाना, तो यहाँ आई हैव हैड माय लंच क्या मतलब हुआ, मैं अपना खाना खा चुका हूं, ठीक है। तो यहाँ दूसरा जो हैव की जगह, क्योंकि हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ब्रैकेट में आपके हैव लिखा मिलेगा, तो आई हैव ब्रैकेट में जो हैव है, आई हैव के साथ तो हैव हेल्पिंग वर्ब है परफेक्ट टेंस का, और ब्रैकेट में जो लिखा हुआ हैव उसका मीनिंग है ईट, तो हेव की थर्ड फॉर्म लगाएंगे आप हेड, तो क्या हो जाएगा आई हैव हेड, मतलब इन अदर वर्ड आई हैव ईटन, ओके। तो आई हैव हेड का मीनिंग होता है आई हैव हेड, मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव हेड लंच लॉन्ग बिफोर, बहुत पहले मैं खाना खा चुका हूं, ठीक है। तो यहां पर हेव और हेड, हेव के साथ हेड कब आता है, जब उसमें, जब उसका सेंस खाने के लिए होता है, ईट के लिए हुआ करता है, तो हेव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, तो हेव इन द सेंस ऑफ ईटिंग, तो उसकी फॉर्म हम हेड लगा देंगे, हेव की हेड होती है। ये हम देख रहे हैं, ये ही हैज हैड हिज लंच, वो अपना खाना भोजन कर चुका है, ऐसे ही आई हैव हैड डिनर, हेव के साथ, हेव के साथ हेड, ठीक है ना, तो ये खाना खा चुके हैं, तो यहाँ हेड इस तरह से। अब ये आपके कुछ, ये कुछ डाउट्स थे जिनको बताना जरूरी था, जो आपके मन में रहते हैं, है ना, इसमें मिस्टेक्स अक्सर हो जाती है, और अब हम लेते हैं लेटर को, है ना, लेटर राइटिंग को, इसको फिर से मैं आगे लेता हूं, एक से कंपोजिशन वर्क, ऑल थ्री फॉर्म्स, सॉरी, है ना, लेटर के बारे में, लेटर के बारे में पेज नंबर आपको 98 निकालना है, पेज नंबर 98, ये पेज नंबर 98 और ये पेज नंबर 99, 98 को आप स्पेशली ऑब्जर्व करें,
इसको आप ऑब्जर्व करें, इसको बहुत ध्यान से देखें, आपको जो समझाया गया है वो सारी बातें एज इट इज लिखी हुई है या नहीं, इसे कंफर्म करें अगेन एंड अगेन और माइंड में इम्बाइब करें इसको। आपको बताया तो सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है, टॉप पर आपकी कॉपी के लेफ्ट साइड में आपको अपना एड्रेस मतलब सेंडर्स नेम, उसके नीचे रिसीवर्स नेम, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, फिर उसके नीचे सैल्यूटेशन, देन सब्जेक्ट, देन बॉडी ऑफ द लेटर, देन सब्सक्रिप्शन, देन योर सिग्नेचर। ये आपका टोटल फॉर्मेट है आपके लेटर का। अब ये स्पेसिमेन पेज नंबर 99 पर स्पेसिमेन है, ये नमूना है, इस नमूने को आप ध्यान से पढ़िए, इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स भी हैं, कुछ फ्रेजेस भी हैं, उसको आप अंडरलाइन करें, ठीक है, और उनको समझने की कोशिश करें। ये लेटर राइटिंग, ये लेटर है आपके, लेटर टू एडिटर, जो अखबार का एडिटर है, न्यूज़पेपर का एडिटर है, उसको लिखा गया है अबाउट इन आपके मोहल्ले में और लोकेलिटी में वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं है, तो इसको देखें, जो आपको बातें समझी हैं आपने यहाँ पर लेटर को लिखने से पहले, वो यहाँ पर एजिटिज है क्या नहीं। ये सेंट्रस का नाम, टॉप पर किसका नाम है, भेजने वाले का नाम, मैं लेटर लिख रहा हूँ एडिटर को, तो मैं अपना नाम एड्रेस ऊपर लिखूंगा, उसके नीचे किसको लिखूंगा, रिसीवर, जो मेरा लेटर रिसीव करेगा, जो एडिटर है उसके नीचे नाम आएगा, उसके नीचे नाम क्या, फिर उसके नीचे क्या आएगा, सैल्यूटेशन आएगा, ठीक है ना सर, ठीक है, इस टाइप से आएगा ये सर, फिर आएगा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट क्या है, रिगार्डिंग इन एडिक्वेट वर्ड, इन एडिक्वेट या पर्याप्त, हमारे मोहल्ले में हमारी लोकेलिटी में पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच रहा है, ये आपको एक ग्रीवेंस है आपका डिपार्टमेंट के खिलाफ। ये आ गया बॉडी, ये बॉडी आ गई, बॉडी को आप पढ़ेंगे, उसके नीचे ये है यूअर्स ट्रोले, यूअर्स को देखें ध्यान देना आप, यूअर्स पर एपोस्ट्रोफ, यूअर्स वाई ओ यू आर एस एस लगेगा, लेकिन उस पर एपोस्ट्रोफ आपको ऐड नहीं करना है, और उसके आगे याद रखना, ठीक है, इस तरह से आपको ये लेटर फिनिश हो गया, ठीक है। इस लेटर को आप अपनी कॉपी में कॉपी कर लें, और नाउ गुड डे, ओ थैंक यू।